प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी अब सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 12 जुलाई तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो प्रदेश भर के निजी स्कूलों में अनिश्चितकाल के लिए ताले लटकाकर विरोध किया जाएगा। कोचिंग एसोसिएशन ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि लगातार प्रदेश में कोरोना से राहत मिल रही है, ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक में कई संस्थानों को कोविड नियमों के साथ खोलने के आदेश दिए हैं। ऐसे में विगत एक वर्ष से बंद कोचिंग संस्थानों को खोले जाने के भी आदेश प्रदेश सरकार को देना चाहिए। कोचिंग एसोसिएशन अध्यक्ष रवि दांगी ने बताया कि इंदौर एजुकेशन हब है, यहाँ 8 लाख से ज्यादा छात्र बाहर से आकर पढ़ाई करते हैं, साथ ही एक वर्ष से कोचिंग संस्थान बंद है, जिसे कोचिंग संस्थान व यहां काम करने वालों की आर्थिक स्थिति भी खराब है। दरअसल इंदौर शहर एजुकेशन हब पहले से जाना जा रहा है और निरंतर उसमें कोचिंगों के माध्यम से बाहरी बच्चे इंदौर शहर में 7 से 8 लाख की संख्या में हमेशा पढ़ते रहे हैं। पिछले एक साल से कोरोना काल की महामारी ने कोचिंगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। निरंतर बंद रहने के कारण कोचिंग संचालक और कोचिंग में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं या कह सकते हैं उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं जो कोचिंगों के संचालन पर निर्भर थे, उनके घर परिवारों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब जब सब चीज़ें धीरे धीरे लॉकडाउन से अनलॉक हो रही, उस स्थिति में कोचिंगें अभी भी बंद हैं, उनका आग्रह आज हमने हमारे मंत्री तुलसीराम सिलावट जी और हमारे जो जिला कलेक्टर हैं मनीष सिंह जी से निवेदन किया है और उन्होंने निश्चय ही ये आश्वासन दिया है और हमें उनकी बातों से आज विश्वास हुआ है कि बहुत जल्दी इंदौर शहर और पूरे मध्य प्रदेश में कोचिंगों का संचालन गाइडलाइन के अंतर्गत होना प्रारंभ हो जाएगा। मंत्री तुलसी सिलावट ने कोचिंग एसोसिएशन को आश्वासन देकर मांग जल्द पूरी करने की बात कही। इंदौर से मृदुभाषी के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।